वेलकम बैक दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूरज राजटेक का ऑफिशियल यूट्यूब पर। दोस्तों आज हम एक नए विषय के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं हमारा आज का नया विषय और नया टॉपिक क्या है दोस्तों। दोस्तों हम फोन पे सीरीज पे काम कर रहे हैं दोस्तों, हम उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो आज फिर फोन पे से ही जुड़ा हुआ एक नए टॉपिक को लेके आए दोस्तों। आप सभी हो सकता है जानते भी होंगे, लेकिन कुछ नहीं जो जानते हैं, जो नए यूज़र हैं उनको नहीं पता है, तो उनके लिए दोस्तों। और आप सभी भी मैं कहूँगा कि अगर देखिएगा तो वीडियो तो अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को कहीं मिल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, फोन पे अकाउंट में आप सभी दोस्तों अपना बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का ये पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों फोन पे अकाउंट जब तक आप लिंक नहीं कीजिएगा तब तक आप UPI का यूज़ नहीं कर सकते। UPI का यूज़ नहीं कर सकते तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप मनी ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी इजीली नहीं कर सकते हैं दोस्तों। किसी से भी आप इजीली मनी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों QR कोड के थ्रू दोस्तों। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो में सब कुछ जानते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सूरज राज टेक ऑफिशियल YouTube पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है किसी तरह का अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ आप सभी तक बिना रुके हुए पहुँच सके जल्द से जल्द। तो चलिए दोस्तों वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं हम फोन पे अकाउंट पे ओपन दोस्तों देख सकते हैं आप अपने मोबाइल को हम सिंक पे आ चुके हैं और हम फोन पे अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर देते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको अब आपको क्या करना है बैंक अकाउंट उसको ऐड करने के लिए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कई ऑप्शन मिलेगा, मनी पे आना है दोस्तों। मनी पे आने के बाद दोस्तों हमें कई ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट मेथड पर जाइएगा दोस्तों, तो बैंक अकाउंट पे आइएगा दोस्तों, UPI यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऊपर ऐड एंड ट्रांजैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आप यहाँ से दोस्तों ऐड करने के बाद दोस्तों बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ही आप कोई भी मनी ट्रांसफ़र हो या रिचार्ज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, A to Z जो भी काम है यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ईजिली जो भी मनी होगा आपको अगर कहीं से रिसीव करना हो तो बैंक अकाउंट में ही रिसीव होगा, वॉलेट में नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बेनिफिट है दोस्तों, वॉलेट से कुछ चार्ज लगता है, इससे जो UPI से आप पेमेंट कीजिएगा तो कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा और एक्सेप्ट करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका जो सा बैंक अकाउंट है उसको चूज कर लीजिए दोस्तों, मैं चूज कर लेता हूँ अपना बैंक अकाउंट। ये देखिए मैं पेटीएम का बैंक अकाउंट चलाता हूँ तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। मैंने अपना बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वैलिडेट मोबाइल नंबर, वी नीड टू सेंड एंड SMS फ्रॉम जो आपका मोबाइल नंबर है वो फैच योर लिंक्ड बैंक अकाउंट, ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पे कहने का मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ से आपका फैच किया जाएगा इस नंबर से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है कि नहीं डिटेल, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका नीचे लिखा हुआ स्टैंडर्ड SMS चार्ज भी अप्लाई, कुछ चार्ज भी लगेगा जो स्टैंडर्ड चार्ज है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, प्रिपेयरिंग SMS सेंट, डू नॉट प्रेस बैक टू क्लोज द वाइल ओपन वेरीफाइंग, मतलब वापस नहीं कीजिएगा, कोई रिटर्न की मत दबाइएगा, यहाँ पे काम चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हो गया दोस्तों, अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेटीएम का जो बैंक अकाउंट है डिटेल बता रहा है, IFSC कोड, ब्रांड टाइप सब कुछ बता रहा है। यहाँ पे अगर आप जो भीम UPI का जो पिन है वो सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भीम UPI यहाँ पे बता रहा 4 digit भीम UPI ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस अकाउंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी जो है सेट किया हुआ मैंने पहले ही कर रखा था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरा सब कुछ हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट एडेड सक्सेसफुली बता रहा है दोस्तों। एक्सपीरियंस इंस्टेंट बैंकिंग दोस्तों यहाँ पे बता रहा है, लाइटिंग फास्ट हाईली सिक्योर, चेक अकाउंट बैलेंस यहाँ पे इजीली कर सकते हैं और मनी सेंड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट से भी या UPI के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा यहाँ पे सब कुछ हो गया दोस्तों। तो हम दोस्तों आपसे भी बैक कर लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूँगा कि मेरे वीडियो कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो या किसी तरह के अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ आप सभी तक जल्द से जल्द बिना रुकावट के पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।